अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम असलम परवेज है जी। कहाँ से आए? लाहौर से। और कहीं है? इस्लामाबाद जा रहे? बिल्कुल जाएंगे, अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है, अभी तो सिर्फ 7 दिन लाहौर इस्लामाबाद के हैं, फिर इस्लामाबाद में डेरे हैं, तो टेक्स टाइम तो लगेगा और सारे जाएंगे। अभी कोई साहब पूछ रहे थे कि आप क्या सोचते हैं कि बहुत लोग आएंगे इस्लामाबाद में, मैंने उनको कहा था कि बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा लोग आएंगे, हम उम्मीद ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे आप पीछे देख सकते हैं अरशद शरीफ साहब की जो पिक्चर है वो बिल्कुल सेंटर में लगाई गई है, उनके साथ बेहद नाइंसाफ़ी हुई, उनका कत्ल कर दिया गया और इतने बुरे तरीके से कत्ल किया गया कि एक माँ किस तरीके से वो पिक्चर्स देखेगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। आपको लगता है कि आज़ादी मार्च के साथ साथ इंसाफ मार्च का भी नारा लगाया जाना चाहिए था, क्योंकि एक इंसान हक सच की आवाज़ उठाते हुए इस दुनिया से चला गया, तो एटलीस्ट नारे में नाम दर्ज किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अरशद शरीफ तो एक ऐसा नाम है कि जिसको सारी कौम ही रो रही है, एक दुख है, एक अजियत है, एक हर बंदे के अंदर तकलीफ़ है। यकीन माने अरशद शरीफ, वैसे तो जनरली किसी का कुछ नहीं लगता ना, हम आम तौर पे आम बंदे का तो कुछ नहीं लगता वो, लेकिन हर बंदे के 3 दिन घर में सोग रहा है हमारे, कोई बोल नहीं रहा था एक दूसरे से, कोई बात नहीं कर रहा था, सब अपनी अपनी जगह पर उदास थे, दुखी थे। एक ऐसा जुल्म, एक ऐसा शदीद जुल्म, उसका कसूर क्या था बेचारे का? मेरा ख्याल है जितना अच्छा इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर मैंने अरशद शरीफ को देखा है, वो उससे बातें नहीं करता था, पेपर्स के साथ बातें करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और यही सबसे बड़ी तकलीफ थी। और जिन लोगों ने किया है सारा कुछ वो भी आवाम को नज़र आ रहा है, जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ पेश कर लें, जितनी मर्ज़ी आके TV के ऊपर अपना कॉन्फ्रेंसिस पेश कर लें, या अपनी जाके अपनी जो मर्ज़ी बताएँ कौम को कि जी ये हुआ था और उसको कोई ख़तरा नहीं था, उसको कोई डर नहीं था, उसको डर नहीं था, वो पागल का बच्चा था, भागा फिर रहा था, वो इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटर, उसको नहीं खबरें थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग, अब कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, सब जानते हैं। आवाम इतनी बेवकूफ़ अपनी रह गई, अब हर बंदे ही सोच रहा है और हर बंदे को अवेयरनेस हो रही है। बच्चे लोग थक गए हैं ये ड्रामे, सबसे ज़्यादा दुख लोगों को पता क्या है यार, बिठाया कि इनको ला के, एवरीबडी नोज़ के ये कैसे थे, इन्हीं के बारे में तो अरशद शरीफ को भी कहते थे, इमरान रियाज को भी कहते थे, और इमरान रियाज चीख चीख के कहता है कि मुझे बुलाब ला के कहते थे कि यार ये बंदे ये ऐसे हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, और अब इन्हीं को कह रहे हैं कि ये हमारे हुक्मरान हैं, तो कैसे तस्लीम करेंगे ये? अरशद शरीफ की तस्वीर मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, सच पूछो तो शर्मिंदगी होती है। इमरान रियाज की एक बात बड़ी ठीक थी, जब ये जा रहा था तो पहले क्यों नहीं निकले, आज चौधरी गुलाम हुसैन को पकड़ लिया, बात है करने वाले, कोई शर्म भी नहीं आती, कोई ख्याल ही नहीं आता, उसका क्या उम्र देखें, रवैये देखें, चौरी गुलाम हुसैन ने क्या किया भाई, क्या कह सकते हैं? लगता है कि तरीके इंसाफ की जो वेबसाइट है या बैनर्स हैं या जहाँ पे भी सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है, जैसे इनके तमाम जो लीडर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, इसी तरीके से जब लास्ट टाइम मार्च हुआ तब भी शहीद हुए लोग, बेगुनाह मारे गए, शहादत के उनको मिलती है, शहादत का ओहदा मिलता है, इमरान जो अशरफ रशी जो है इनको भी शहादत का जो है वो मिलता है, दर्जा मिलता है, तो इन तमाम की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने पार्टी के लिए खून दिया है। बात सिर्फ पार्टी की नहीं है मेरे बेटे, बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, सारी कौम की है। जो जो बंदा जिस लेवल पर अपनी जगह पर मेहनत कर रहा है, कोई शहीद हो गया है, कोई ज़ख्मी हो गया है, हर एक का हिस्सा है। अगर कोई शहीद है उसके अरशद का तो आप कमाल ही है, उसके बारे में तो लफ्ज़ ही बोलना, मतलब किसी के पास पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता किसी के पास अल्फाज है कि अरशद शरीफ के बारे में कोई बात करे, वो तो कमाल का इंसान था। और बाकी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, डेफिनेटली उनकी तस्वीरें, उनके स्लोगन्स, उनकी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, लेकिन क्या ख्याल है, सारी कौम नहीं है, सारी कौम ही पागल हुई हुई है, ये इतने लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, ये जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नाज़रीन मैं यहाँ पर एक बात वाज़े करती चलूँ कि हमें शर्मिंदगी होती है कि जिस दिन जो है अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ उसी दिन TV चैनल्स के ऊपर मजाहिया प्रोग्राम भी चले कि हम ऐसी सहाफ़ी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कि अपने सहाफ़ी को भी इज़्ज़त नहीं देते, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ख़त्म होनी चाहिए थी, शोक का मुकाम होना चाहिए था और लोगों जो है वो ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए था उनके रिस्पेक्ट में। इमरान खान साहब को मैसेज क्या देंगे? इमरान खान साहब को मैसेज क्या देना है, वो तो माशाल्लाह खुद ही पूरी कौम के लिए मैसेज हैं। अगर आपके सामने अचानक इमरान खान साहब आए तो वो एक बात क्या है जो आप उनसे करें? हम तो उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए खातिर खड़े हैं, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि वो सच बोलते हैं। पिछली सारी 40-50 साल की हिस्ट्री हमारे साथ है, हमारी उम्र काफ़ी हो गई है,
हमने भी ज़िया का दौर देखा है, तब छोटे थे लेकिन देखा ज़रूर था, वो ज़माने भी देखे, फिर इमरान खान का सारा एक टाइम देखा है कि वो क्रिकेट से कैसे आगे आए हैं, कहाँ तक बढ़ते रहे, तो हम क्या पैगाम देंगे? वो तो पूरी कौम के लिए एक पैगाम बन के खड़ा है कौम बंदा, उसको वो तो हमें पैगाम देता है कि खड़े हो जाओ और हम सब खड़े हैं। अगर वो ना खड़ा होता तो हम कहाँ खड़े होते? हम सब घर में बैठे हुए थे, जैसे बैठे हुए थे सब लोग, हम भी बैठे हुए थे, ये चोर आए थे खाए थे और हम बैठे बैठे रहते, ये पहले भी कई बार आए खा गए। सो इमरान खान के लिए कोई पैगाम नहीं बचे, वो पैगाम है पूरी कौम के लिए। पूरी कौम के लिए आपने सिर्फ एक कॉल देनी है और आपकी टीम जो है वो आपके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, टीम आपके साथ खड़ी है, इमरान खान साहब और आवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है आपके एक कॉल का। और जैसे आवाम निकली भी आपने देखा भी, तो नाज़रीन लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद हैं और देख रहे हैं सूरत हाल, आपको अपडेट भी कर रहे हैं, आवाम का क्या जज्बा है, लोगों से हम पूछ भी रहे हैं कि अगर वो शरीक हो रहे हैं लॉन्ग मार्च में तो क्या इस्लामाबाद तक साथ देंगे, और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके बारे में भी सवाल कर रहे हैं, क्या रास्ते से यू टर्न तो नहीं ले लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पीटीआई के सपोर्टर्स को पता है कि इमरान खान साहब मार्च क्यों लेके जा रहे हैं, या सिर्फ इमरान खान साहब ने कॉल दे दी तो उनका जाना जो था वो फ़र्ज़ बन गया। तो आवाम से बातें करते रहेंगे, मार्च के साथ साथ जारी और सारी रहेगा ये प्रोग्राम।